हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ज्ञानेन सिंह सिब्बू, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जितने लोगों ने नए सब्सक्राइबर हमें बहुत जल्द सब्सक्राइब किए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल पे आपने देखा कि नया स्टार्टअप फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पैसे लगाते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप शुरू करते हैं, बहुत सारे कंपनी शुरू करते हैं कि यार हम भी टाटा बिरला अंबानी की तरह एक बड़ी कंपनी लेके जाएंगे, एक जुनून के साथ एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर बनेंगे। क्योंकि जब आदमी काम स्टार्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग का, तो बहुत सारे पूरे देश में हमारे माल बिकेंगे और हम भी बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन स्टार्टअप शुरू करने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी गलती वही लोग करते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा होती है। सारी चीज़ें बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें तीन से चार प्रॉब्लम होती है जो सबसे बड़ी बात है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी से रिलेटेड, यानी अगर मान लीजिए आप एक नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको हल्दीराम, बिकानो, जो भी पार्ले, जो भी प्रोडक्ट, डायमंड, बालाजी, गोपाल जी, जो भी नमकीन टॉप ब्रांड में हैं, उनको आप देखिए, उनकी पैकेजिंग देखिए, उनके वेट को देखिए और उसकी प्राइस को देखिए। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप हमेशा वो चीज़ कोशिश करिए कि उससे बेस्ट क्वालिटी हम बनाएं। और क्यों नहीं बन पाएगी आप बताइए? चीज़ों को बहुत लोकल नमकीन आप खाते हैं, एकदम लोकल नमकीन जो कि हर क्षेत्र में बिकता, वो भी अच्छी नमकीन बनाता है, बट उसकी मार्केटिंग वो नहीं कर पाता है। आपने पैसे लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, लेकिन मार्केटिंग पुराने ज़माने वाली कर रहे हैं, जिसमें आपको किसी को सैलरी पर रखे हैं, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं, कोई स्टार्टअप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने सैलरी पर लड़के रख दिए, सेल आपकी आ नहीं रही है और आप परेशान हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे जितने भी लोग मशीनरी के लिए रखे हैं, लेबर कास्ट रखे हैं, लाइट का जो बिजली का बिल है, सारा कुछ आप दे रहे हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले जितनी भी कंपनी के टॉप ब्रांड चल रहे हैं उनको उठाइए और देखिए, कंपैरिजन करिए। बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जबकि वो ब्रांड से टक्कर करते हैं। बहुत लोगों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत लोगों की प्लास्टिक और क्वालिटी ठीक ठाक होती है तो प्राइस अच्छी नहीं होती, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे कंपनियों, क्योंकि हम लोग देखिए बिजनेस करते हैं और बहुत सारी कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशनशिप, और लगभग हर कंपनी का माल हम अपने होलसेल काउंटर से बेचते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है यार कि कौन माल बिकेगा और क्यों बिकता है, इतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं भी स्टार्टअप के लिए सोच रहा हूँ पिछले 5 साल से, और 2025 तक स्टार्टअप की योजना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी भी अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं स्टार्टअप में, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर बहुत ऐसी कंपनी है जो लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगा के पिछले 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं और उस लेवल पे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो क्या क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू, या फिर आप एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाइए, उसकी प्राइस भी बढ़िया रखिए, ठीक है, एकदम 100% बताइए कि हाँ ये चीज़, जैसे आज की डेट में लगभग मार्केट में सभी लोग एक कंपैरिजन में करते हैं, और जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो कलर से लेके पैकिंग का, कोई मतलब कौन से कलर बनाने वाले डिज़ाइनर को वो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं कि पूरी पैकिंग की कलर ही बेकार होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट को आप देखते होंगे अच्छी क्वालिटी है, बट उसकी पैकिंग अच्छी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन। लोग सोचते हैं हमारा माल बिकने वाला है, बिक जाएगा, अरे भाई क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देती हैं तो वो ब्रांड है। और आपने आज ही शुरू किया और सबसे पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन, आपने अपनी पैकिंग को ही ध्यान नहीं दिया कि कलर कौन सा होना चाहिए, कैसी ज़बरदस्त पैकिंग हम बनाएं कि जो ग्राहक देखे, सबसे पहले पैकिंग आदमी देखता, उसके अंदर का माल तो जब वो फाड़ता है, खोलता है, तब ना देखेगा भाई, खाएगा। पहले तो वो प्लास्टिक देख के, आपके जो पाउच होगा, जो पैकिंग होता है, उसको देख के आदमी लेता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ आती है, क्वालिटी पे फोकस करिए, कि बहुत लोग रेट पे फोकस करते हैं, रेट पे ना फोकस करके आप क्वालिटी पे फोकस करिए। अगर मार्केट में 18 ग्राम चल रहा है तो आप शुरुआत में 19 ग्राम करिए, अगर 18 ग्राम रखते हैं
तो 19 ग्राम करिए, 20 ग्राम करिए, थोड़ा सा मुनाफा कम करिए, क्योंकि स्टार्टअप जब शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो बस उसी साल से अंबानी और बिरला टाटा बनने की योजना शुरू हो जाती है उनकी। ये नहीं सोचते हैं कि हमने स्टार्टअप किया है तो जिस 10 रुपए के आइटम में हमें, मान लीजिए 10 रुपए का आइटम है और आपने 5 रुपए का उसे मैन्युफैक्चरिंग पूरा बना के ओके कर दिया और आप चाहते हैं कि वो मार्केट में 7 रुपए में बिके या 6.5 रुपए में बिके, 1 से 1.5 रुपए मार्जिन मत लीजिए, मार्जिन 1 से 1.5 रुपए या 50 पैसे, सब कुछ अगर काटने के बाद आपको अपने लिए 1 से 1.5 रुपए बचाना है तो मत बचाइए ना, 50 पैसे बचाइए। आप मार्केट में पहले अपने प्रोडक्ट को चलाइए, जिस दिन आपके प्रोडक्ट नो डाउट लोग मांगने लगेंगे ना उस दिन आप प्राइस बढ़ा दीजिए, आप 1 या 2 रुपए कमाइए, आपको आराम से लोग हंसते दे देंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी में दम है, आपकी पैकेजिंग में दम है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में दम है। पहले तो आपके प्रोडक्ट में लाख दम है लेकिन आपको तो पहले मार्केट में चलाना है प्रोडक्ट को, तो सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम करिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा तरीका ये है कि जो आपके सबसे अच्छे प्रोडक्ट है, सबसे अच्छे प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि इस क्वालिटी का किसी भी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है या इस टेस्ट में नहीं है, 10, 20, 25, 50 लोगों को खिलाइए। और जो उसी रिलेटेड, जैसे भुजिया, मान लीजिए हल्दीराम भुजिया आप बना रहे हैं, भुजिया हल्दीराम का ले लीजिए और उससे बढ़िया भुजिया आप दोनों पैकेट लोगों को खिलाइए। जिस दिन 100 में से 50 या 70 लोग आपने कह दिए कि ये वाला आपका बहुत अच्छा है और नो डाउट चलेगा, ईमानदारी से, ठीक है, कह दिए, फिर उस प्रोडक्ट में आप एकदम कम मार्जिन कर दीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करिए, मात्र 6 महीने, 6 महीने किसी भी एरिया में नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी अगर वो प्रोडक्ट आपके 5 रुपए में बन के तैयार हो जा रहे हैं तो 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसे में आप सेल कर दीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि अगर उस प्रोडक्ट में आपको फायदा भी ना हो तो उस प्रोडक्ट में आपको नुकसान भी ना हो, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपका हो, ठीक है, बाकी प्रोडक्ट को लेके चलिए लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट है उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस करिए। अगर आपने उस पर्टिकुलर एरिए में या उस पर्टिकुलर राज्य में या उस पर्टिकुलर पूरे जो भी एरिए में जहाँ पे आप पहले शुरुआत कर रहे हैं अगर आपने चला दिया, 2 से 3-4 महीने बाद उसी प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और वो टोटल प्रॉफिट आपकी होने लगेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम है लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ, हम लोग भी काम करते हैं, एकदम समझ में नहीं आता यार किस चीज़ से टैली कर रहे हैं, ना कलर अच्छा, ना प्रोडक्ट अच्छा, ना क्वालिटी अच्छा, सिर्फ रेट देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने सस्ता प्रोडक्ट दे दिया, मान लीजिए आपने हमें सस्ता दे दिया और एक दुकानदार लालच में एक बार ले लिया प्रोडक्ट, लेकिन अगर वो हो सकता है वो दुकानदार, छोटे दुकानदार को भी लालच में दे दिया, उसको भी लगा यार इसमें तो ज़्यादा मार्जिन है, ले लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट जब लास्ट में कौन खाएगा, ग्राहक खाएगा, तो आपको ग्राहक को सोच के बनाना है ना, पहले ग्राहक जब जिस दिन खाएगा, क्योंकि उसको तो वैल्यू 5 रुपये देनी है। अगर मान लीजिए 5 रुपये की नमकीन मूंग दाल आपने बनाया या भुजिया बनाया 5 कंपनियों की, सब कंपनियां का अलग अलग रेट है, अलग अलग वजन है, लेकिन कस्टमर जो पे करेगा वो सबका प्राइस 5 ही रुपया पे करेगा, तो वो उसी को खाएगा जो उसमें सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखिए, हो सकता है दुकानदार लेके जाए और वो भी ना बेच पाए तो दोबारा वो रीसेल आप नहीं निकाल पाएंगे, और जिस दिन रीसेल आपका नहीं आएगा, दोबारा सेल नहीं उठेगा, आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे किसी भी एरिया में। बस किसी तरीके से हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, एक सुपर स्टॉकिस्ट बन जाए, बस किसी तरीके से बिक जाए माल, अगर ये सोच है तो मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दीजिए, दुकान खोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से नहीं होगा। मार्केट में निकलिए, खुद निकलिए, बहुत बड़े कंपनी के मालिक मत बन जाइए, टाटा बिरला अंबानी मत, क्योंकि बहुत लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग देखा है कि वो लोगों को मैं जब हम लोग बताते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट में आपके, हाँ सर बस काम चल रहा है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कंपनी खत्म हो जाती है, एरिया में माल बिकना बंद हो जाता है और कंपनी तो दिखती ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। कोई नया बंदा फंस जाता है तो ले लेता है प्रोडक्ट का काम, क्योंकि नए लोग लगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो काम कर चुके हैं वो नए प्रोडक्ट में नहीं फंसते हैं, ठीक है। और बाय द वे बहुत एक्सपीरियंस लोग भी लालच में फंसते, क्योंकि लालच बुरी बला है, ये सारी चीज़ें जान ही रहे हैं कि लालच में आदमी फंस जाता है और ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अभी भी बहुत एक्सपीरियंस जो बिज़नेस में खिलाड़ी हैं वो भी लालच में फंस जाते हैं कि यार ये चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इतना बेच देंगे, इतना कमा लेंगे, ठीक है, तो होता है, लेकिन फिलहाल वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ना वो लॉन्ग टर्म उसे खरीद पाएंगे, ना उसे आप लॉन्ग टर्म बेच पाएंगे। तो आप अगर कोई काम स्टार्टअप किए हैं और आप बड़ा स्टार्टअप करना चाहते हैं, पूरे देश में आपके माल बिके, तो आपको दूर सोचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा,
शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, अभी के लिए माल बिक जाए, अभी मेरा पैसा आ जाए, अभी मैं ब्रांड बन जाऊं, अभी के लिए सोच रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि लॉन्ग टर्म जितने भी बिजनेस बड़े हुए हैं, जितने लोग बिजनेस में अपने आप को साबित किया, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, दूर की सोचते हैं। ठीक है, तो दूर की सोचना शुरू करिए। और मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी आप गलती करते हैं मैन्युफैक्चरर में, ठीक है, और या फिर नए मैन्युफैक्चरर हैं और आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये गलती मत करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपका सवाल हो, किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहते हैं बिजनेस रिलेटेड, तो इस वीडियो में आप कमेंट जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।